व्हाट्स अप ब्रो सेना, कैसे हैं आप सब लोग। 7-8 दिन बाद आपको ये शक्ल देख के एक ही चीज आपके दिमाग पे चल रही होगी कि कहां थे 7-8 दिन, क्या चल रहा था, सब कुछ ठीक था या नहीं, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, क्या डेली व्लॉग्स आएंगे, एंड आप लोग बाबू भैया को याद कर रहे थे। बट मैं एक चीज कहूंगा, जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है ना, तो शायद आपको छोटे से छोटी चीज भी ना एक बर्डन की तरह, एक बोझ की तरह आपके कंधों में और धंसती भी चली जाती है। जिस रीजन की वजह से हम थोड़े दिन बैक ऑफ हो गए थे वो आप सबको पता है, दैट वाज द जोकर सीन्स जो चल रहे थे इंटरनेट पे। हाँ जी, आपके बाबू भैया को इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे जोकर के ट्रॉल किया जा रहा था, जस्ट बिकॉज वो शायद अपने से बड़ों को उल्टा जवाब नहीं दे पा रहे थे या फिर वो अपने शांत स्वभाव के लिए ट्रॉल होने लग गए थे। एक तरीके से मैं कहूंगा आज की जनरेशन शायद ये ट्रॉल वगैरह झेल सके, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रॉल एंड हेट। और वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल जा रहा था, बहुत बंदों ने व्यूज भी लिए हैं, एंड शायद बहुत लोगों ने प्रार्थनाएं भी की होंगी कि इस समय से हम बाहर आए, एंड फाइनली 7-8 दिन बाद वी आर हेयर। बहुत कुछ चल रहा था इस टाइम पे ना दिमाग पे। एक और कहावत कहते हैं ना कि बुरा वक्त आपको रिश्ते बता देता है। ऊपर से बिग बॉस उसके साथ लग रहा है, सलमान खान उसके साथ लग रहा है, सारे मतलब अंदर के जो लोग सब उसको टारगेट कर रखे हैं, उसको सपोर्ट किस चीज की जरूरत पड़ रही है। अभी नॉमिनेट वो हुआ नहीं है, बॉस मीटर वो जीत रहा है, तो देखो कमी तो कहीं छूट नहीं रही है। समझ रहे तुम बात को, अपनी ओर से फुल सपोर्ट है भाई। कि क्या भाई, आप लोग UK07 राइडर को सपोर्ट कर रहे हो? ऑब्वियसली भाई, हमारा भाई है, हमारा भाई जब हमारे लिए खड़ा तो हमारा टाइम, हम भी खड़े। एक भाई ने हमें सपोर्ट करा था, हम भी भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे भाई, यूके भाई के सपोर्ट में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि भाई बुरा टाइम आता है उसमें अच्छी चीजें दिख जाती हैं। ये मैटर अनुराग भाई के खिलाफ जो भी सिस्टम चलाया जा रहा है, नेगेटिव पीआर चलाया, साफ साफ बात है नेगेटिव पीआर है भाई। ऑब्वियसली भाई वो भी हमें दिखा, एंड काफी कुछ चल रहा था। मेरा तो सगा भाई है यार, बहुत सारी चीजें दिमाग में घूम रही थी कि मॉम डैड को कैसे बताएंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट ऊपर वाले पे भरोसा था एंड हम चल पड़े। हमारे साथ के लोग जो हमारे साथ खड़े हुए थे, हम सब ने ये डिसाइड किया कि जोकर का काम खुशियां बांटना होता है ना, तो हक से बेशरम होके और गले लगा के इस चीज को अपनाएंगे और लोगों पे खुशियां बांटेंगे। सो गाइस, आप लोग देख रहे होंगे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब ये जोकर का मास्क मैंने पहना है ना, हम सब ने पहना है, इसका मतलब क्या है आपको मालूम है? वी आर ब्रो सेना। तो जोकर का मतलब यही होता है यार, जो दूसरों को हंसा के खुद की बेइज्जती करा के खुशियां बांटे दुनिया में। तो हाँ भाई, आई एम ऑल्सो अ जोकर, एंड अब जो जोकर का असली काम है ना खुशियां बांटना, हम करेंगे। हम सब जोकर है और अब हम आज खुशियां बांटने जाएंगे। जब ये सफर स्टार्ट हुआ था ना, चीजें बहुत आसान लग रही थी, लाइक हमें लगा था बहुत आसान है, एकदम से हो जाएगा, शायद इतने इमोशन नहीं जुड़ेंगे। बट जो पहली जगह थी हमने स्टार्ट किया, दैट वाज ओल्ड एज होम, जहाँ पे लोग अपने से बड़ों को छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहते। एंड जब मैं उस जगह पे गया ना, जो एक इमोशन की वेव थी ना, वो शायद अकेले मैंने नहीं, हम सब ने फेस करी। आपके बेटों की तरफ से जोकर है जो खुशियां बांटते हैं। जितने भी लोग थे ना, दे वर वेल एजुकेटेड, एंड बिलीव नहीं हो रहा था कि उनके फैमिली मेंबर्स, उनके बेटा बेटी उनको छोड़ के गए हैं। समझ आया कि अगर खुशियां बांटने से आप जोकर कहलाए जाओगे तो फिर किस चीज का गम है यार। जब इंसान खुशियां बांट रहा था तब आपने उसको डिग्रेड करा, टारगेट करा, तो अब जोकर बनके बेशरम होके हम खुशियां बांटेंगे। सो हमने बहुत डिफरेंट प्लेसेस टारगेट करी, हमने बहुत डिफरेंट इंडिया के कोनों में ट्राई करा इस चीज को ले जाने का। हम लोग जोकर हैं। लोग जुड़ते गए, जहां तक अभी लोग एक जोकर का टैग अपनाने से पीछे हट रहे थे ना, शायद उन्हें समझ आया कि खुशियां बांट के अगर आप कोई जोकर कह रहे हैं ना, सो दैट इज अ गुड थिंग। वी फील प्राउड टू बी। जब आपको अच्छे काम करने में मजा आने लग जाता है ना, और एक जोकर की अहमियत बढ़ने लग जाती है, मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने ये सोचा कि क्यों ना 3-4 लड़कियों का पढ़ाई का खर्चा टोटली उठाया जाए जब तक वो अपनी 12th नहीं कर लेती है। तो हमने
उन्होंने ऐसे ही 3-4 लड़कियों का पढ़ाई का खर्चा उठाया है। उनकी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय आपके बाबू भैया अनुराग डोभाल एके जोकर। जैसा आपके बाबू भैया ने बोला था, जितनी मेरी बिग बॉस की फीस है गाइस, उसका 100% हम लोग डोनेशन करेंगे अपनी UK07 फाउंडेशन में, एंड वो पैसा यूज होगा किसी की शादी कराने के लिए, किसी की जॉब के लिए, किसी का हॉस्पिटल बिल। हम लोगों ने बैक एंड पे इतने सारे लोगों की हेल्प आउट करी है ना गाइस, एंड ये हेल्प आउट हम लोग रोकने नहीं वाले। 20 लाख हम लोगों ने करे थे, ऑलमोस्ट 10-12 लाख लोगों को ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे। अगर मैं इस टाइम दिखाता ना तो लोग सोचते कि जाने से पहले कर रहा है, इसीलिए मैंने वो दिखाया ही नहीं गाइस। आने के बाद मेरे पास पूरे व्लॉग शॉट पड़े हैं, आने के बाद हम लोग वो वाले व्लॉग्स रिलीज करेंगे। बट बिग बॉस के अंदर रह करके भी जितना पैसा हर हफ्ते में हम लोग कमाएंगे वो सारा डोनेशन पे जाएगा। तो गाइस अभी ना हम लोग को रोड साइड में जो लोग सो रहे हैं तो उनको जाके ये बस मैं इतना ही कहूँगा ब्रो सेना, थैंक यू सो मच बाबू भैया के लिए वहाँ पे रहने के लिए। एंड मेरे को ना 2-3 दिन से लगभग 15-20 हज़ार मेंशन आ चुके हैं, जहाँ पे बंदों ने लिटरली कुछ किसी ने अपने ऊपर पेंट कर रखा है, किसी ने वो मास्क खरीद रखे हैं, लाइक क्रेजी भाई, क्रेजी ब्रो सेना। मेरे पे शब्द भी नहीं है तुम लोगों को थैंक्स बोलने के लिए, एंड अपने एक क्रिएटर को इतना प्यार देने के लिए। अलग फैंडम है गाइस तुम लोग। जोकर अच्छा काम करके दिखाएगा। जोकर कैसा लग रहा है आपको? अगर बाबू भैया जोकर है तो हम भी जोकर हैं। हुई स्पोर्ट बाबू भैया, हुई स्पोर्ट बाबू भैया। अच्छा लग रहा था ये सब करके, एंड जहाँ पे पहले लोग जोकर नाम से पीछे हट रहे थे ना, वी सॉ ऑन इंस्टाग्राम कि खुद ब खुद लोग इस चीज से जुड़ते जा रहे हैं, इस सही मकसद से जुड़ते जा रहे हैं। और फिर उन लोगों को ना वो जोकर टैग से शर्म नहीं आने लगी, एंड कई लोगों ने तो अपने घर पे जोकर के मास्क बना के या कैसे भी कहीं से कोई मास्क लेके छोटे छोटे अमाउंट के डोनेशन भी चालू कर दिए। एंड हमें जब इंस्टाग्राम पे टैग्स आने लगे ना, दैट वाज द थिंग जहां पे मुझे लगा कि ब्रो सेना बाबू भैया के लिए कुछ भी कर सकती है। लिटरली दिन के कम से कम 10-15 हज़ार टैग सिर्फ एक जोकर का मास्क लगा के आना, जहाँ पे लोग ये कह रहे थे कि अगर हमारे बाबू भैया जोकर है तो उनकी ब्रो सेना भी जोकर है, क्योंकि हमें पता है हमारे जोकर कितने साफ दिल का है और कितने लोगों की मदद करता है। सो जब वो चीजें होने लगी ना, वी काइंड ऑफ लाइक हमें लगा यार हमने शायद किसी और वे में शुरू किया था, बट इतना प्यार देख के ना आप लोगों का, ब्रो सेना का, जनता का, वी जस्ट फेल्ट ऑन अनदर लेवल। और फिर मजा आने लगा इन सब चीजों में। ब्रो सेना ने लिटरली अपने मुंह के ऊपर ना जोकर का मास्क लगा के टैग कर रखा है, एंड एक नहीं है ऐसा, ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जिन्होंने अपने मुंह के ऊपर जोकर का मास्क लगा के ना। और ऐसा पहली बार नहीं है, मुझे पता है अब आप बहुत लोग ये बोलने वाले हैं कि भाई जस्ट सिंपैथी के लिए या एक कार्ड खेलने के लिए आपने ये डोनेशन चालू किया, पहले क्यों नहीं करते थे। तो मैं बताना चाहूंगा, इससे पहले भाई आपके अपने बाबू भैया जिसको आप जोकर क्या क्या भी बुला रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें करी हैं जो शायद उन्होंने मना करी थी बताने से, और मैं उस चीज की इज्जत रखते हुए वो आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ। बट जो चीजें सबके सामने थी, उसने कई लड़कियों की शादी कराई है, बहुतों को हॉस्पिटल का डोनेशन, लाइक मुझे बोलते हुए भी अजीब सा लग रहा होगा कहीं मैं गिनवाना था, बट जिसको आप जोकर कहते हैं उसने ये चीज पहले भी करी थी, तब उस चीज की इतनी इज्जत नहीं करी गई लोगों के द्वारा जो जनता थी, एंड स्टिल उसे जोकर कहा गया। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने वाले ना, जिनकी भी डिलीवरीज होती है वो ऑल आर देयर जो पे नहीं कर पाते हैं, लाइक बच्चों वगैरह का, क्योंकि बहुत गरीब होते हैं जो पे नहीं कर पाते हैं गेट थिंग्स डन, मेडिकेशन डन, तो हम यहाँ पे आएंगे एंड विल ट्राई टू टॉक इनसाइड की तरफ से हम ये पे कर सके जो पे नहीं कर पाते हैं, दैट एग्रीज ऑन, तो हम उसको देखेंगे अगर कैसे हो पाता है। अगर बाबू भैया जोकर है। जब हमने ये चीज सोची ना हमें बहुत आसान लगा, डोनेशन करेंगे, खुशियां बांटेंगे, गरीबों को मदद करेंगे, ये जितना आसान था ना, या जितना आसान हमने सोचा था ये उतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। आधे घंटे की मेहनत के बाद हमने पहला लगा लिया। धीरे धीरे करके हमने इस चीज को डॉग्स की तरफ भी लेके गए, वी हेल्प अ लॉट ऑफ डॉग्स। जो
जोकर का काम होता है ना गाइस खुशियां बांटना, और उसको हम इसलिए जोकर बोलते हैं। तो हाँ, हम सब जोकर हैं। और एक और रिक्वेस्ट करूंगा टू सोशल मीडिया, आई नो शायद इस पे मुझे हेट आएगा, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेटिंग समवन एंड ट्रोलिंग। ट्रोलिंग एक टाइम के बाद ना टॉक्सिक हो जाती है, नॉट ओनली फॉर माय ब्रदर, मैं ऐसा नहीं कहूंगा सिर्फ मेरे भाई के लिए या किसी के लिए भी, एवरी ह्यूमन ऑन दिस अर्थ जो इस पृथ्वी में रहना है ना, उसको आई थिंक हक है यार खुश रहने का। एंड जब उसने कुछ गलत भी नहीं कराया ना, सिर्फ कुछ चीजों के लिए इतना मत गिराओ कि शायद वो अपने आप को खो बैठे। एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी इमोशनल, मैं कोई इमोशनल कह के ये नहीं कहने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इसके बाद भी शायद मेरे को ये बोला जाएगा सिंपथी कार्ड खेल रहा है, ये खेल रहा है, बट नहीं, मैं अपने भाई के लिए ये चीज नहीं बोलने वाला हूँ। फ्यूचर में शायद इतने लोगों का ये साथ हो सकता है जो मेरे भाई के साथ हुआ था, जस्ट बिकॉज शायद उसने किसी को गाली नहीं दी, उसने अपने से बड़ों का इज्जत करके शायद उन्हें वापस जवाब नहीं दिया, वो जैसा रियल लाइफ में शायद वो वैसे ही शो के अंदर था, इसलिए उसे जोकर बोला गया। तो मेरे को नहीं पता शायद उसके जैसे कितने लोग होंगे जो ये सब डेली बेसिस पे सहते होंगे, शायद मेरे भाई पे ये चीज आई तो मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ कि हाँ यार, इस दुनिया में ना ज्यादा सीधा होना भी शायद ठीक नहीं है, बट कोई नहीं, ऊपर वाले का हाथ बना रहेगा उसके ऊपर, एंड ब्रो सेना का प्यार तो है ही, वी गोना मेक दिस फॉर श्योर। तब तक के लिए वी लव यू ब्रो सेना, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग योर जोकर, एंड ये जो एक वेव है ना ये चलती रहेगी, और हाँ, हम सब जोकर हैं।